हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैजिकल टच विद अंजलि। आज मैं आप सभी के लिए आईज कट क्रीज मेकअप लुक लेकर के आई हूँ। तो मैंने पहले से वन आईज पर मेकअप अप्लाई कर रखा है, तो चलिए मैं सेम दूसरे आईज पे भी लुक क्रिएट करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने रेड कलर पिक किया है और आईज की क्रीज लाइन को मैंने अच्छे से ब्लेंड करना शुरू कर दिया है। ब्लेंडिंग हमारी बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ब्रश हम क्लाइंट के आईज़ के ऊपर में प्रेशर डाल करके ब्लेंड कर रहे हों, बिल्कुल भी नहीं। हमें बिल्कुल लाइट हैंड ही ब्रश यूज करना है। और इसके बाद में फिर मैंने ऑरेंज कलर पिक किया और ऑरेंज कलर को भी क्रीज लाइन के ऊपर में डैबिंग प्रोसेस अप्लाई करेंगे। और मुझे वन टोन डार्कर चाहिए, तो मैंने इसे यहाँ पर थोड़ा सा पर्पल कलर पिक किया है और इसे भी हम अच्छे से आईज क्रीज लाइन के ऊपर में ब्लेंड करेंगे। तो आप ब्लेंडिंग देख रहे हैं, मेरी ब्लेंड काफ़ी स्मूथ तरीके से मैं कर रही हूँ। तो ब्लेंडिंग मेरी हमारी क्रीज लाइन की हो चुकी है। अब मैं आईज कॉर्नर आउटर कॉर्नर के साइड में मुझे थोड़ा डार्क चाहिए, तो मैंने यहाँ पर पर्पल कलर को अप्लाई किया है। मैंने यहाँ पिक कलर की कलर पिक किया है, इसके बाद में मैंने अप्लाई किया है। मुझे जितना प्रोडक्ट चाहिए, जितना मुझे आई शैडो चाहिए, मैंने उतना ही कलर उस पर लिया है और मैंने सच अप्लाई किया है। मुझे कॉर्नर साइड में थोड़ा डार्क चाहिए था, तो मैंने इसलिए यहाँ पे थोड़ा ब्लैक का टच दिया है। मैंने ब्लैक कलर पिक किया है और पर्पल के साथ में दोनों को मिक्स करके मैंने अच्छे से ब्लेंड किया है। तो हमारी ब्लेंडिंग आप देख रहे हो, ब्लेंडिंग बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। और आप ब्रश की मूवमेंट देख रहे होगे, मैंने थोड़ा यहाँ फास्ट फॉरवर्ड किया है, तो हमारी ब्रश की स्पीड ज़्यादा है, बट काफ़ी स्लोली आपको ब्रश यहाँ पे उसकी मूवमेंट रखनी होगी। इसके बाद में मैंने क्रीज को कट करने के लिए मेकअप बेस का यूज़ किया है। आप आई बेस का भी यूज कर सकते हैं, बट मैंने बेस का यूज़ किया है क्रायलोन का। तो मैं इसी से क्रायलोन बेस से ही मैं क्रीज को कट कर रही हूँ। तो ये हाफ़ कट क्रीज है, तो मैं यहाँ पे हाफ़ कट क्रीज ही बना रही हूँ। तो आप मेरा जो मैंने फर्स्ट एक आईज बना रखा है, मैंने आपको वो शो किया था, तो सेम मुझे वैसा बनाना है, तो मैं उसी के हिसाब से क्रीज को कट कर रही हूँ। अब इसके बाद में जो इसे हम सेट करने के लिए लूज बॉर्डर का यूज़ कर रहे हैं, तो अब हम यहाँ पर ग्लिटर यूज करेंगे। तो ग्लिटर यूज कर रही हूँ मैं, 3 कलर्स के ग्लिटर को मैंने मिक्स किया है, जिसमें ग्रीन, रेड और सिल्वर कलर यूज किया है। सबसे पहले मैंने मिस क्लियर का 2A जेल अप्लाई किया है और इसके बाद में मिक्स की हुई ग्लिटर को मैंने डिपॉजिट किया है। तो इसे सबसे पहले आप 2A जेल यूज करें, उसके बाद में ही डिपॉजिट करें, यह अच्छे से फिक्स हो जाता है। आई कॉर्नर के लिए मैंने येलो टोन की आई शैडो का अप्लाई किया है और इसके बाद फिर मैं आई आउटर कॉर्नर को थोड़ा सा पर्पल कलर से इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने जब दोनों आईज़ को मैच किया तो मुझे ग्लिटर्स मुझे थोड़ा कम दिखा, तो मैंने फिर से थोड़ा ग्लिटर पिक करके मैंने आईज़ के ऊपर में अप्लाई किया है। फिर मैंने फ्लैट ब्रश लिया और फ्लैट ब्रश लेने के बाद में मैंने थोड़ा लाइट शेड का मैंने पिंक कलर लिया और क्रीज लाइन के ऊपर मैंने इसे ब्लेंड किया है, जिससे मेरी ब्लेंडिंग क्लियर दिखे, किसी भी तरीके की लाइनिंग मुझे ना दिखे। इसके बाद मैंने विंग्स लाइनर के लिए मैंने एक पतली ब्रश का यूज़ किया है, आईलाइनर ब्रश का यूज़ किया है। आईलाइनर के लिए मैंने क्रायलोन आईलाइनर जेल का अप्लाई किया है। तो मैं विंग्स लाइनर यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ, तो जिसके लिए मैंने सबसे पहले टेल निकाला। टेल निकालने के बाद में मैंने यहाँ पे विंग्स क्रिएट किया है और मैं विंग्स लाइनर ऐसे ही बनाती हूँ, ये मुझे काफ़ी इजी प्रोसेस लगता है। इसके बाद मैंने आई कॉर्नर पे भी विंग्स निकाला है, जिसके लिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन लिया। स्ट्रेट लाइन लेने के बाद में मैंने वहाँ पे विंग्स बनाया और उसके बाद में मैंने लाइन अप किया और दोनों लाइन को मैंने एक दूसरे के साथ में मर्ज कर दिया है। इसे काफ़ी इजी प्रोसेस तरीके से मैंने किया है, तो आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है और हमारी दोनों आईज़ की इस तरीके से विंग्स प्रॉपर दिखती है और सही तरीके से बनता है। मेरी इस पर अच्छी प्रैक्टिस है, तो मैं इसी तरीके से विंग्स लाइनर क्रिएट करती हूँ। अब इसके बाद में मैंने आईज़ लोअर लैस में भी मैंने आईलाइनर का ही अप्लाई किया है। तो आप चाहो तो यहाँ बेसिकली काजल भी यूज कर सकते हो, तो मैं अभी काजल यूज नहीं कर रही हूँ, मैंने आईलाइनर को ही यहाँ पे नीचे अप्लाई किया है।
आप चाहो तो काजल भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जेल लाइनर का ही यूज किया है। तो अब इसके बाद में मैंने पर्पल और पिंक कलर थोड़ा पिक किया है और ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैंने लोअर लैस को ब्लेंड किया। और इसके बाद फिर मैंने वापस से आईब्रो ब्रश, जिससे मैं आईब्रो क्रिएट करती हूँ, मैंने इससे ब्राउन शेड पिक किया है और मैं इसे भी अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। तो आप प्रोडक्ट इतना ही ले जितना आप यूज कर सके, जितना आपका प्रोडक्ट आपको उसकी ज़रूरत हो, एक्सेस प्रोडक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ब्रश में कभी एक्सेस प्रोडक्ट आ भी जाए तो आप उसे पहले डस्ट ऑफ करें, उसके बाद में अप्लाई करें। मैं अभी वीडियो बना रही हूँ इसलिए मेरे प्रोडक्ट मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, और मैं जिस तरीके से प्रोडक्ट पिक कर रही हूँ वो थोड़ा सा गलत तरीके से मैं पिक कर रही हूँ। आप जब भी पिक करें तो काफ़ी थोड़ा उस तरीके से पिक करें जितना आपको प्रोडक्ट चाहिए। अगर एक्सेस प्रोडक्ट आपके ब्रश में आ रहा हो तो उसे पहले आप डस्ट ऑफ कर दें फिर अप्लाई करें। तो यहाँ पे मुझे, मैंने सेलो टेप लगा रखा था तो मुझे एक लाइनिंग सी दिख रही थी, इसलिए मैंने वहाँ पे वापस से एक ब्लेंडिंग ब्रश ली और उस पर थोड़ा मैंने पिंक कलर पिक किया और मैंने उसे ब्लेंड किया। अब जो एक्सेस जो शेडो था, जो प्रोडक्ट था जो फैल रहा था, तो मैंने एक ब्रश की हेल्प से मैंने इसे रिमूव किया, डस्ट ऑफ कर दिया। इसके बाद मैंने जो हमारा आईब्रो आईबोन एरिया है वहाँ पे मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया है, गोल्ड हाइलाइटर है ये, तो ये हाइलाइटर भी मिस क्लियर का है तो मैंने ये अप्लाई किया है। इसके बाद मैंने आई कॉर्नर को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ पे येलो टोन का यूज़ किया है, वो भी मैंने ये आई शैडो अप्लाई किया है। मैंने यहाँ पे हाइलाइटर यूज नहीं किया, मैंने येलो आई शैडो को ही पिक किया है और मैंने इसे अप्लाई किया है ताकि विंग्स मेरे वहाँ पे क्लियर दिखे और हाईलाइट दिखे। तो इसे मैंने अच्छे से ब्लेंड किया है और मैं बीच में बार बार देख रही थी कि कहीं मेरी जो आईब्रोज़ का जो हमारा आई लुक है वो कुछ डिफरेंट तो नहीं है, क्योंकि मैंने एक पहले से क्रिएट कर रखा था। तो वैसे में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि हमारा जो प्रॉपर पिगमेंट है दोनों आईज़ में सेम है या नहीं। इसके बाद मैंने आईलैशेज अप्लाई किया है, आईलैशेज में ये फेक आईलैशेज है, मैंने पहले ग्लो लिया थोड़ा, मैंने इसे ट्राई किया फिर मैंने इसे फिक्स किया, बहुत ही ईजिली ये फिक्स हो जाता है। तो गाइज़ आई कट क्रीज लुक डन है। आपको ये मेकअप प्रोसेस कैसा लगा, आपको ये लुक कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।